फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। तो प्लीज अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा। चलिए देख लेते हैं आज की हमारी वीडियो। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा ब्लॉग M पर। तो देखिए गाइस, हम लेकर के आए एक यूनिक सी ट्रिक, क्योंकि इसमें बरसात चल रही है, सीलन बहुत जगह है और सीलन की वजह से जो स्मेल आती है वो बहुत गंदी लगती है। इस वजह से करना क्या है, देखिए एक बाउल ले लेना है, उसमें डाल देने हैं थोड़े से राइस यानी चावल और उसमें थोड़ा सा डाल देना है पाउडर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि राइस में मॉइस्चर सोखने की बहुत क्षमता होती है और इसमें अगर आप पाउडर डाल देंगे तो ये मॉइस्चर सोखने के साथ साथ पाउडर की स्मेल भी देगा। तो आप जहाँ भी आप रखना चाहती हैं, जैसे कबर्ड में, अलमारी में, किचन में, बाथरूम में, कहीं भी आप रखना चाहती हैं वहाँ पर भी ये बनाकर रख सकती हैं, जिससे कि आपके उस एरिए पर गाइस पाउडर की जो स्मेल है वो हल्की हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू आती रहेगी, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी सीलन भी खत्म होती रहेगी। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी, ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, ये नेक्स्ट ट्रिक में दिखाएंगे हम राइस, क्योंकि इस समय गर्मियां चल रही हैं तो गर्मियों में क्या होता है, राइस में हो जाते हैं कीड़े। ठीक है, ये देख सकते हैं घुन, जैसे घुन वाले कीड़े होते हैं, यानी ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे से होते हैं, और या फिर ये लंबे 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 होते हैं लेकिन व्हाइट होते हैं। आपको पास से दिखाएंगे, बिल्कुल ये देख सकती हैं यहाँ पर। तो ये कीड़े निकालना आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, हम लोग सभी लोगों को, और हाउस वाइफ तो अगर एक साथ 5 से 10 किलो राइस मंगाती हैं और ज्यादा राइस का खर्चा नहीं होता है तो आपके यहाँ राइस में कीड़े लग ही जाते हैं। तो करना क्या है, देखिए कीड़े ना लगे इसके लिए मैंने कई सारे ट्रिक एंड ट्रिक्स बताई हैं, मगर अगर कीड़े लग जाते हैं तो करना क्या है, इस तरह से आप एक कॉटन का कपड़ा ले लें या मिक्स कपड़ा ले लें, कोई भी कपड़ा ले लें, उसके बाद इस तरह से इसके ऊपर राइस को पतला पतला बिल्कुल फैलाना है, जैसे कि हम फैला रहे हैं, ये देख सकते हैं इस तरह से, और छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। इस राइस को इसी तरह से कपड़े में 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, ये देख सकती हैं ऐसे ही। तो अभी देखेंगे आप कि इसका क्या एकदम बहुत अच्छा सा जुगाड़ होगा। ये देखिए इस तरह से आप क्या करेंगे, धीमे धीमे से इस राइस को इकट्ठा कर लेंगे, और ये देखिए कपड़े में नीचे जो कीड़े होते हैं व्हाइट वाले लंबे वाले, शायद यहाँ सूढ़ी बोलते हैं पता नहीं हमें, तो इसी तरह से देखिए ये कीड़े इस कपड़े में यानी इस क्लॉथ में चिपक जाएंगे और राइस में ये कीड़े नहीं लगेंगे। ये बहुत पुरानी ट्रिक है, क्योंकि ये हमारी मम्मी ने बताई थी, तो ये बहुत पुरानी ट्रिक है। और आप क्या करें, राइस को निकाल दें और देखिए कीड़े जो चिपक गए थे हमारे कपड़े में वो वैसे के वैसे ही चिपके रह जाएंगे, ये देख सकते हैं। ये देखिए आपको पास से दिखा रहे हैं कि कई सारे कीड़े इसमें चिपक गए हैं, उसको हम झाड़ देंगे, और ये प्रोसेस आपको 3 से 4 बार लगभग करना है, जिससे कि बिल्कुल भी आपकी राइस में कीड़े ना रहें। ये देखिए इस तरह से, ये देख सकते हैं इस तरह से डाला और पतला पतला सा फैला दिया अपने कपड़े पर, और आप जितनी बार करेंगे, अगर कीड़े होते हैं आपके पास तो आप उतनी बार में ही निकाल सकते हैं कीड़े। फिर देखेंगे एक प्रोसेस ऐसे आएगा कि 3 से 4 बार करने के बाद में जब आप चौथी बार करेंगे ना तो उसमें कीड़े नहीं होंगे। तो उसमें अगर कीड़े नहीं होते हैं तो आप ये समझ जाइएगा कि आपके राइस एकदम से साफ हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें कीड़े बिल्कुल नहीं आए हैं, सारे के सारे कीड़े निकल चुके हैं, तो हमारा राइस साफ हो चुका है, ये देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे, तो ये देखिए उसी थाली में रख देंगे। देखिए बीनना तो फिर भी पड़ेगा, मगर ये है कि आपकी काफी हद तक कोशिश पूरी हो जाएगी। तो देख सकती हैं जो ब्लैक ब्लैक कीड़े होते हैं वो तो खैर रेंग कर निकल जाते हैं, मगर व्हाइट वाले कीड़े अच्छे से नहीं निकलते। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। इस तरह से मैट होती है, मैट पर गाइस बाल वगैरह बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं, तो आप अपनी मैट को धुलते हैं। धुलने के बाद क्या करना है, इस तरह से एक पुराना कॉम ले लेना है और इसकी कॉम करनी है इस तरह से। देखिए अगर आपकी मैट की बड़ी बड़ी सी बड़े बड़े से रेसे हैं तो ये और अच्छी ट्रिक है, क्योंकि मैट पड़ी पड़ी रहने से आपस में रेसे चिपक जाते हैं, गांठ लग जाती है, जो कि धुलने के बाद भी नहीं छूटती है। तो आप इस तरह से आप कॉम कर देंगे ना तो क्या होगा, मैट में जो मैट के रेसों में जो गांठ पड़ जाती है वो भी खुल जाएगी, और जो बाल होंगे बाल होंगे और गंदी होगी मैट हमारी, वो भी साफ हो जाएगी। आई होप आपको ये छोटी सी ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। तो चलिए देख सकते हैं कि कितने सारे बाल हैं। तो चलिए आप पुराने कंघे ना फेंक करके आप उनको इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए आप इसी कॉम को देखिए कितना सारा गंदा हो गया है, आप देख सकती हैं। तो इसको अब हम करेंगे साफ। तो जैसे अगर हम बाहर कहीं जाते हैं, किसी फंक्शन पार्टी में जाते हैं और आपका कॉम बहुत ज्यादा गंदा है, तो घर सबके पास गाइस टूथब्रश सबके पास होता है और पाउडर भी सबके पास लगभग होता ही होता है,
कहीं भी पार्टी फंक्शन में जाएं बिना पाउडर के तो मेकअप अधूरा रहता है। तो आपके पास कोई भी पाउडर है आप इस तरह से अपने कॉम पर डालें और ब्रश से आप इस तरह से करें, आप देखेंगे कि अब 2 से 3 मिनट में ही आपका जो कॉम है बिल्कुल साफ हो जाएगा। यानी किसी और ने भी कॉम किया हो अगर आपके कंघे से तब भी आप इस तरह से साफ करेंगे और वो साफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जब कॉम को हेयर बालों में लगाते हैं तो जो अगर आप ऑयल लगाएं या ना लगाएं फिर भी आपके जो हेयर हैं हेयर के अंदर जो ऑयल होता है जो कुदरती ऑयल होता है यानी तेल होता है उसकी वजह से कॉम बहुत गंदा हो जाता है। जिससे आप पाउडर जब लगाते हैं ना तो वो पाउडर होता है वो ऑयल को सोक कर लेता है यानी ऑयल को और गंदगी को सोक कर लेता है जिसकी वजह से हमारी कॉम बिल्कुल गंदी हो जाती है। तो ये पाउडर लगाने से साफ हो जाती है। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। देखिए बिल्कुल स्किप नहीं किया है इस ट्रिक को, क्यों? क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते थे। देखिए आपके सामने ही बिल्कुल यूज कर रहे हैं और देखिए हमारा कॉम कितना ज्यादा साफ और हो गया है। ये देख सकती हैं इस तरह से, ये देखिए आप देख ही सकती हैं जहां जहां पर ब्रश लगता जा रहा है वहां पर बिल्कुल साफ होता जा रहा है कॉम। और नीचे गंदगी देख सकती हैं, इस एक कॉम में कितनी सारी गंदगी निकली है ये देख सकते हैं। तो अगर हमारी ये रेसिपी आप सॉरी ये अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और आप देख सकती हैं कितनी सारी गंदगी निकली है हमारे कॉम से। तो आप कॉम का टेंशन खत्म, आप घर में हो या बाहर हो आप अपना कॉम बहुत अच्छे से साफ कर सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।